दोस्तों, अमेरिका के शिकागो में आयोजित गीता उत्सव की गूंज पूरे अमेरिका और विश्व में दिखी। अवधूत दत्त पीठम मैसूर के प्रमुख श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 10,000 युवाओं ने उनके साथ गीता का पाठ किया। SGS गीता फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आध्यात्मिक शिक्षा और एकता के सबसे बड़े उत्सव और महत्वपूर्ण समारोह के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति और लेफ्टिनेंट गवर्नर जुलियाना स्टार्टन जैसे गणमान्य लोग अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इन अतिथियों के अलावा हजारों अन्य लोग भी भक्ति और ज्ञान के इस उद्घोष में गीता के श्लोकों का जाप करने के लिए एक साथ जुटे। कार्यक्रम में अनेक समुदायों पर गीता की शिक्षा के गहन प्रभाव को दर्शाया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने कहा कि ये गीता उत्सव आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमारी सामूहिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस महायज्ञ में शामिल परिवारों और स्वयं सेवकों के समर्पण को देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। भगवद गीता हर सीमाओं को पार करते हुए और एकता को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर जीवन को समृद्ध बना रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक SGS गीता फाउंडेशन अब तक दुनिया भर में 500 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका है और हजारों छात्रों को इससे जोड़ चुका है। फाउंडेशन ने अपनी पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। निकट भविष्य में 1,00,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम चल रहा है।